माता भीमेश्वरी का मंदिर झज्जर जिले में बेरी में पड़ता है, और पहले तो ये बेरी कस्बा होता था, अब तो तहसील बना दिया है। यहाँ दूर दराज से विदेशों से लोग दर्शन करने के लिए भी पहुँचते हैं। हाय गाइज, मैं दीपक वत्स प्रांजल से यात्रा के एक और ब्लॉग में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आज हम आपको बेरी माता के भीमेश्वरी देवी के मंदिर के बारे में बताएंगे और इसके इतिहास के बारे में बताएंगे। यहाँ हर साल दो बार नवरात्रे आते हैं, दूर दराज से श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, और जिन जिन लोगों के मान्यता है वो माता भीमेश्वरी देवी के मंदिर में बेरी पहुंचते हैं। और बेरी माता के मंदिर का बहुत ही पुराना इतिहास है, ये पांडवों के टाइम से ये मंदिर यहाँ पर स्थापित हुआ था। एक बार की बात है कि भीम अपनी माता कुलदेवी को हिंगलाज पर्वत, जो आज कल पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ से अपने कंधों पर उठाकर चल पड़े, और युद्ध वो रास्ते में भीम को लघु आशंका की इच्छा हुई तो उन्होंने माता श्री को जंगल में वहाँ रख दिया, और उसके बाद माता श्री वहीं पर विराजमान हो गई, और भीम ने माता श्री को अपने कंधे ऊपर उठाकर दोबारा ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए, और तभी से इस माता भीमेश्वरी देवी के मंदिर में मान्यता है जिन जिन लोगों के, तो ये दूर दूर से श्रद्धालु लोग पूज करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। और आपको माता भीमेश्वरी देवी का मंदिर दिखाते हैं, और हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, ये भीमेश्वरी देवी का बाहर वाला मंदिर आप देख रहे हैं। अब तो इस मंदिर को बहुत ही सुंदर बना दिया गया है, और यहाँ श्रद्धालु दूर दराज से दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। और ये माता रानी का भवन बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है। अब हम आपको माता रानी के दर्शन करवाएंगे, और आप ये मेरे सामने माता रानी भीमेश्वरी देवी देख रहे हैं। दोस्तों, माता भीमेश्वरी देवी की प्रतिमा सोने की है, और इसे 84 घंटों वाला भी बोला जाता है, और इसकी पुराने टाइम की किद्वंती है इस मंदिर की। इनका इस मंदिर का पांडवों से संबंध है, मैंने आपको वो बता दिया है। जब महाभारत का युद्ध स्टार्ट हुआ तो इनकी देवी हिंगलाज, जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ स्थित है, वहाँ पर विराजमान थी, तो भीम माता श्री का आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ पहुँचे, और उन्होंने माता श्री से साथ चलने का आग्रह किया, और फिर भीम माता श्री को अपने कंधों पर विराजमान करके चल पड़े। वहाँ से रास्ते में भीम को लघु आशंका हुई तो उन्होंने माता श्री को जंगल में एक वृक्ष के नीचे उतार दिया, और वो लघु आशंका करके वापिस लौटे तो माता श्री को चलने के लिए बोला, तो माता श्री टस से मस नहीं हुई, तो उन्होंने माता श्री को अपने कंधों पर उठाने की कोशिश की तो उसमें वो सफल नहीं हुए, और माता श्री तब से यहीं विराजमान हो गई, और यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण कर दिया गया है। अब तो ये मंदिर बहुत ही सुंदर बना दिया गया है। अब आप मेरे सामने ये माता भीमेश्वरी का बार वाले मंदिर का गेट देख रहे हैं, यहाँ से एंट्री होती है, और बहुत ही सुंदर है। दोस्तों, जय बाबा कुलदेव की। दोस्तों, बाबा कुलदेव का मंदिर भी बहुत ही सुंदर है। माता भीमेश्वरी के दर्शन करने के बाद यहाँ भी मिट्टी निकालनी होती है, उसी के बाद माता के दर्शन संपूर्ण माने जाते हैं। ये वो मंदिर आप देख रहे हैं, और दोस्तों एक पीछे तालाब है, इस तालाब में मिट्टी निकालने से शरीर पर किसी भी प्रकार के कील मुहासे हों तो वो ठीक हो जाते हैं, बाबा की कृपा से।